Auzubillahi minashaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome to everyone in Easy MJ Pharma. This is MJ Lashari. In this lecture, we will learn about the acid-base tradition. इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस ट्रेडिशन के बारे में. बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द एसिड बेस ट्रेडिशन पढ़ेंगे, एसिड बेस थ्योरी पढ़ेंगे एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द एसिड बेस ट्रेडिशन पढ़ेंगे. अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें. नाउ बिफोर डिस्कशन अबाउट एसिड बेस ट्रेडिशन, एसिड बेस थ्योरी पढ़ेंगे पहले. इट वॉज इन 1884 आर्नियस साइंटिस्ट गिव द एसिड बेस थ्योरी. 1884 में आर्नियस एक साइंटिस्ट था जिसने एसिड बेस थ्योरी दी थी. अकॉर्डिंग टू आर्नियस का उसने कहा कि अगर हम एसिड को डिसॉल्व करें वाटर के साथ तो वो हमें हाइड्रोजन केटायंस और हाइड्रोनियम आयंस दे, उसको हम एसिड कंसीडर करेंगे. अगर उसने बेस के बारे में कहा कि अगर हम बेस को डिसॉल्व करें वाटर के साथ वो OH आयन दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे, तो उसको हम बेस कंसीडर करेंगे. व्हेन एसिड डिसॉल्व विद वाटर देन इट डोनेट hydrogen cation or hydronium ions that will considered acid, and when base dissolved in water then produce OH hydroxide anion, then it will considered base. Neutral chemical having neither acidic nor basic property. Neutral hamare wo hote hain jisme na acidic property hoti hai na basic property hoti hai, wo neutral hote hain, usko hum neutral kehte hain. pH is a scale used to specify the acidity or basicity of the aqueous solution. pH hamara wo hota hai स्केल होता है जिसके जरिए हम सॉल्यूशन की जो है एसिडिटी एंड बेसिसिटी मालूम करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो है आइदर एसिडिक के या बेसिक के या न्यूट्रल है. इसके वाले से हम वो मालूम करते हैं पीएच स्केल की मदद से. ये आप देख सकते हैं हमारा पीएच स्केल है. 0 to 6 तक जो है हमारा एसिडिक मीडियम होता है और 7 जो है न्यूट्रल मीडियम होता है. ये जो पीएच जिसकी भी सॉल्यूशन की 0 to 6 तक होती है उसको हम एसिडिक कंसीडर करते हैं. 7 जो है वहाँ न्यूट्रल होता है और 8 to 14 तक जो भी होता है वो अल्कलाइन यानी बेस उसको कंसीडर करते हैं. नाउ इज ट्राइट्रेशन. ट्राइट्रेशन एसिड बेस ट्राइट्रेशन से पढ़ने से पहले हम ट्राइट्रेशन पढ़ेंगे कि ट्राइट्रेशन बेसिकली होता क्या है. ट्राइट्रेशन इज एनालिटिकल मेथड इन विच डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ नोन स्टैंडर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ट्राइट्रेशन. ट्राइट्रेशन हम उसको कहते हैं जैसे कि हम अननोन कंसंट्रेशन की अननोन जो होता है उसकी कंसंट्रेशन मालूम करें, अननोन सब्सटेंस की कंसंट्रेशन मालूम करें विद द हेल्प ऑफ नोन सब्सटेंस, उसको हम कंसीडर करेंगे ट्राइट्रेशन. यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टैंडर्ड सैंपल है, ये अननोन सैंपल है. ये स्टैंडर्ड यानी नॉन सैंपल है, ग्रीन वाला आप देख रहे हैं हमारा कर्सर नजर आ रहा होगा, ये अननोन सैंपल है. यानी स्टैंडर्ड सैंपल की कंसंट्रेशन अननोन सैंपल की, ये रेड वाले की कंसंट्रेशन हम मालूम करें स्टैंडर्ड सैंपल से, स्टैंडर्ड सैंपल की मदद से, उसको हम कहेंगे ट्राइट्रेशन. ओके, नाउ द एसिड बेस ट्राइट्रेशन. एसिड बेस ट्राइट्रेशन इज अ मेथड इन विच डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन एसिड बेस सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नोन एसिड बेस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड बेस ट्राइट्रेशन. एसिड बेस ट्राइट्रेशन वो होता है जैसे कि हमारे पास सिंपल ए एक सैंपल है, एक सैंपल बी है. एग्जाम्पल ए एसिड बेस सॉल्यूशन है, दूसरा सिंपल बी एसिड बेस सॉल्यूशन है. ठीक है, ए वाला जो है हमारा स्टैंडर्ड है, बी वाला जो है हमारा जो है अननोन है. यानी अननोन बी की कंसंट्रेशन मालूम करें ए वाले के साथ तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिड बेस ट्राइट्रेशन कहेंगे. एसिड बेस ट्राइट्रेशन आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन ट्राइट्रेशन. इस ट्राइट्रेशन को हम न्यूट्रलाइजेशन ट्राइट्रेशन भी कहते हैं बिकॉज एसिड बेस ट्राइट्रेशन न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म. जब हम एसिड बेस ट्राइट्रेशन करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, इसी वाले से हम इसको जो है न्यूट्रलाइजेशन ट्राइट्रेशन भी कहते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एसिड है, बेस है, ये रिएक्शन करेंगे NaCl प्लस वाटर बनेगा, ये न्यूट्रल सॉल्ट बना है, इसी वाले से हम इसको न्यूट्रलाइजेशन ट्राइट्रेशन भी कहते हैं. नाउ टर्मिनोलॉजीज इन द ट्राइट्रेशन. कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं जो ट्राइट्रेशन जब हम करते हैं तो उसमें यूज होती हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं जब हम ट्राइट्रेशन करते हैं तो ब्यूरेट इस्तेमाल करते हैं और ये बीकर यूज करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क यूज करते हैं. ये ब्यूरेट जो है हमारा इसमें टाइट्रेंट होता है, इसमें नोन होता है सॉल्यूशन, और ये बीकर जो होता है इसमें अननोन होता है. ठीक है, ब्यूरेट में नोन होता है, टाइट्रेंट होता है, बीकर में अननोन होता है, टाइट्रेंट होता है. ठीक है,
ये जो हमारा रिएक्शन होता है डिपेंड करता है टाइट्रेन एंड टाइट्रेन के दरमियान, यानी नॉन और अननोन के दरमियान। अगर नॉन और अननोन के दरमियान रिएक्शन जो है एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है तो उसको एसिड बेस साइटेशन कहेंगे। अगर इसके दरमियान ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो हम उसको रिडॉक्स साइटेशन कहेंगे। अगर इसके दरमियान जो है प्रेसिपिटेशन हो रही है तो उसमें उसको हम प्रेसिपिटेशन साइटेशन कहेंगे। नाउ एनालाइट, एनालाइट क्या किसको कहते हैं? एनालाइट एज अ सॉल्यूशन हू कंसंट्रेशन हैज टू बी डिटरमाइंड, जिसकी जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम मालूम करना चाहते हैं उसको हम एनालाइट कहते हैं। देन टाइट्रेंट नॉन कंसंट्रेशन एडिड फ्रॉम ब्यूरेट, जैसे कि हमने बताया कि ब्यूरेट हमारा नॉन कंसंट्रेशन होता है उसको हम टाइट्रेंट कहते हैं। देन टाइट्रेंट अननोन कंसंट्रेशन एडिड फ्रॉम द कॉनिकल फ्लास्क, ये कॉनिकल फ्लास्क के इसमें अननोन कंसंट्रेशन है उसको हम क्या कहेंगे? टाइट्रेंट कहेंगे। एंड पॉइंट, अ पॉइंट वेयर द रिएक्शन स्टॉप, एसिड चेंज द बेसिक मीडियम और बेसिक चेंज द एसिडिक मीडियम, यानी एंड पॉइंट वो होता है जहाँ रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है, एसिडिक मीडियम या तो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होता है या बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है, उसको हम एंड पॉइंट कहते हैं। देन इज इक्विवेलेंस पॉइंट, पॉइंट वेयर द रिएक्शन इज स्टॉप्स रिजल्ट इन एसिड कंप्लीटली कन्वर्ट टू द न्यूट्रल साल्ट। इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होती है जहाँ रिएक्शन तो स्टॉप हो जाता है जिसमें एसिड जो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रल में, ठीक है, उसको हम कंसिडर करेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। Now, titration curve. One of the plotted represented the pH of the solution during the titration. जब हम titration करते हैं कि plotted जो represent करता है वो pH of the solution को represent करता है उसको हम titration curve कहते हैं। जैसे कि हमारा cursor आपको नजर आ रहा होगा, ये जो है titration curve है, ठीक है, ये titration curve है, इसको हम titration curve कहते हैं। Then pH indicator, the compound mostly inorganic would change their color when pH of solution is changed. pH indicator है जो pH से मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं, ये मोस्टली ऑर्गेनिक होता है, ये कलर चेंज करता है जब pH ऑफ सॉल्यूशन का कलर चेंज हो, ठीक है। देन इंडिकेटर, इंडिकेटर हम मोस्ट ऑफ इंडिकेटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर हम यूज करते हैं। इंडिकेटर्स क्या होता है, ये एक कलरफुल डाय होता है, ये कलर जो है सॉल्यूशन के अंदर कलर जो है इंडिकेट करता है उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर हम यूज करते हैं बट मोस्टली इन एसिड बेस साइटेशन जब हम करते हैं तो फिनोल फिनथलिन जो इंडिकेटर है वो हम यूज करते हैं। फिनोल फिनथलिन की जो करेक्टर है वो एसिडिक मीडियम होगा तो उसमें कलर लेज होता है और बेसिक मीडियम में जो है वो पिंक कलर शो करता है। फिनोल फिनथलिन, फिनोल फिनथलिन जो होता है एसिडिक मीडियम में कलर लेज होता है एंड बेसिक मीडियम में वो कलर शो करता है, यानी पिंक कलर शो करता है। अगर फिनोल फिनथलिन की पीएच मालूम करें तो 8.3 टू 10 जो है इसकी पीएच होती है। नाउ इज थ्योरी ऑफ एसिड बेस साइटेशन, थ्योरी पढ़ेंगे एसिड बेस साइटेशन की। पहले हम जब रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा आपको कर्सर हमारा नजर आ रहा होगा, ये हमारा ब्यूरेट है। ब्यूरेट में क्या डालते हैं, 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, हमारा बेस होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद 0.1 नॉर्मल HCl जो होता है वो हम कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे, ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क, ओके। ये टाइट्रेंट है, ये हमारा टाइट्रेंट है, ठीक है। इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, इसमें हमारा जो है HCl है। देन स्टार्ट द रिएक्शन, रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो ड्रॉप बाय ड्रॉप एड सोडियम हाइड्रोक्साइड थ्रू द ब्यूरेट इनटू द HCl कॉनिकल फ्लास्क। इधर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है मेरे ब्यूरेट में, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है डालेंगे इसमें कॉनिकल फ्लास्क HCl में, ठीक है। ये डालेंगे फिर हम इंडिकेटर डालेंगे, इंडिकेटर फिनोल फिनथलिन जो है इंडिकेटर मोस्टली वो डालेंगे। रिजल्ट कलर चेंज ट्रांसपेरेंट टू द पिंक, स्टॉप द रिएक्शन। जब ये कलर चेंज करे हमारा, कलर चेंज करे ट्रांसपेरेंट टू पिंक हो जाए तो फिर हम रिएक्शन जो है स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा जो है ये एसिड बेस साइटेशन हो जाएगी। जैसे कि अगर फिनोल फिनथलिन की बात करें तो एसिडिक मीडियम फिनोल फिनथलिन इंडिकेटर इज कलर लेज, इन बेसिक मीडियम इट शोड कलर पिंक, यानी फिनोल फिनथलिन जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं एसिड बेस साइटेशन में, एसिडिक मीडियम में कलर लेज होता है लेकिन ये बेसिक मीडियम में जो है कलर शो करता है, मोस्टली ये पिंक कलर शो करता है। ये
एंड जो एसिड बेस रिएक्शन होता है, तो जैसे कि HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaCl और वाटर दिया, न्यूट्रल सॉल्ट बना। ये हमारा जो है एसिड बेस ट्राइटेशन की थ्योरी हो गई, और ये रिएक्शन फर्दर हो जाता है एसिड बेस ट्राइटेशन का। नाउ सम ड्रग बेस्ड ऑन एसिड बेस ट्राइटेशन, कुछ ड्रग होती हैं जो एसिड बेस ट्राइटेशन करवा के हम जो है उसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोक्साइन डीहाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्सीजेन डीहाइड्रोक्लोराइड है, HDH है हमारा, ट्रेमाडोल हाइड्रोक्लोराइड है, ये ट्रेमाडोल हाइड्रोक्लोराइड है, लेसनोप्रेल है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, एसी इनहिबिटर है, एंटासिड है कुछ हमारे, ये जो भी है जो इसमें जो है एसिड बेस ट्राइटेशन करवा के हम एनालिसिस करते हैं इस ड्रग की। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये सारे आप ये जो डायग्राम देख सकते हैं, आपको हमारा कर्सर नजर आ रहा होगा। ये एंटासिड है, ये हाइड्रोजेन हाइड्रोक्लोराइड है, टेबलेट है, लेसनोप्रेल है, जैसे कि ये एसी इनहिबिटर है, ठीक है, ये हमारा जो है आपको नजर आ रहा होगा ये जो डायग्राम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे विद एजीएमजे फार्मा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुख्तलिफ लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस पर हम यूज़ करके हमसे रब्ता कर सकते हैं।